हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइस, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, आज हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी आप कैसे खेल सकते हो। गाइस, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो खैर हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद स्टेट होता है, फिर आके आज अपना रणजी ट्रॉफी होता है। तो आज हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी आप कैसे खेल सकते हो। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फर्स्ट स्टेप से और रणजी ट्रॉफी तक आप कैसे अपना सफ़र तय कर सकते हो। गाइज, मैं खुद रणजी ट्रॉफी नहीं खेला हूँ, पर मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे ट्रायल दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल दिए हैं, स्टेट के भी ट्रायल दिए हैं, तो उसके मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वीडियो को पूरा देखना, पूरा आज समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को शुरू करें। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्रिकेट स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं बोल रहा हूँ, आपको लेदर बॉल से क्रिकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। ये सबसे पहला स्टेप है। और स्टार्ट करोगे कहाँ? आपको सिंपल सा एकेडमी ढूंढनी है अपनी सिटी में। अगर आपकी सिटी में नहीं है तो अपने स्टेट में ढूंढनी है, अच्छी एकेडमी हो जहाँ से पहले स्टेट प्लेयर हो या रणजी ट्रॉफी प्लेयर वहाँ से खेले हुए हो, मतलब वहाँ प्लेयर बहुत अच्छे हो। इसलिए ना भी हो तो एक आधा प्लेयर हो, अच्छे कोचेज हो, ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये अच्छी एकेडमी, यहाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है और अच्छे प्लेयर यहाँ से तैयार होते हैं। सबसे पहला उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा आप अपना अच्छे से क्रिकेट स्टार्ट कर दोगे और जो प्लेयर खेले हुए हैं उनसे आप सीखोगे कि हाँ वो कैसे, वो आपको एक्सपीरियंस देंगे, उनके साथ आप मैच खेलोगे, वो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस वहाँ से मिल जाएगा कि कैसे होता है और कैसा एटीट्यूड होता है प्लेयर का जो रणजी ट्रॉफी खेले होते हैं, जो स्टेट खेले होते हैं। सबसे पहले आपको अकेडमी ज्वाइन करनी है। अकेडमी ज्वाइन करने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस बताऊँ गाइज, हर जगह डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट आने वाली है इंडिया में, हर जगह डिस्ट्रिक्ट होगी, उसके बाद स्टेट के सिलेक्शन होंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल देने हैं, जहाँ लीग होती है वहाँ लीग खेलनी। इस साल लीग नहीं हुई कोरोना वायरस की वजह से, तो इस साल हो रहे हैं हर जगह ट्रायल। तो ट्रायल के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर्म भरने के बाद आपको पहले डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल क्लियर करने पड़ेंगे। उनको क्लियर करने के बाद जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम में जाओगे, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट के मैच होते हैं, किसी भी स्टेट से होगा, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल क्लियर करोगे, फिर आपकी बनेगी एक सारे डिस्ट्रिक्ट की टीम, उसमें जब आप अच्छा करोगे फिर आप एक जोनल की टीम बन जाती है। कहीं जोनल की बनती है, कहीं आपका पूरा कैंप लगता है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जोनल आएगा, जोनल के बाद आपका फिर 30 या 60 लोगों का कैंप लगता है, उनका आपस में मैच होगा, 4-5 टीम बना के मैच होता है। उसके बाद गाइस क्या होगा, मैच में जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे, वहाँ पर जाके अपने जो अच्छे सब डिस्ट्रिक्ट के लड़के आते हैं उसमें जाके आप अच्छा परफॉर्म करोगे, वहाँ से जाके लगता है फिर कैंप स्टेट का कैंप लगेगा। उसके बाद गाइस कैंप में आप अच्छा परफॉर्म करेगा, आपकी फिटनेस अच्छी होगी, कोचेस से आपका बिहेव अच्छा होगा, मतलब आप पूरे ओवरऑल अच्छे प्लेयर होने चाहिए और आपकी फिटनेस भी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। वहाँ जाके आपका टेस्ट होगा, पहले यो टेस्ट होता था, अब नया टेस्ट आया, वो आपको वहीं पर जाके पता चल जाएगा। और साथ साथ गाइज वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो वहाँ पर मैच होंगे वहाँ पर भी आपको अच्छा खेलना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओगे गाइज आप अपने 15-20 की टीम बनती है स्टार्टिंग में, 20 की कैंप लगता है, एक और कैंप लगेगा लास्ट में, लास्ट कैंप होता है, उससे फिर टीम सेलेक्ट हो जाएगी 15 जनों की, जो अपने हर उसकी अलग अलग होती है। जैसे अगर आप 19 हो तो 19 की अलग होगी, वनडे की अलग होती है और डेज की अलग होती है। अगर आप 23 हो तो उसमें भी वनडे की अलग होती है, डेज की अलग होती है। अगर आप ओपन हो तो उसमें सैयद मुश्ताक अली होती है और वनडे की अपना T20 सैयद मुश्ताक होती है, वनडे की अपना विजय जरा होती है और रणजी ट्रॉफी होती है। तो इसमें आपको अगर आप एज ग्रुप में खेल रहे हो तो उसमें स्टेट की टीम में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। जब स्टेट की टीम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, जब ओवरऑल आप मान लो वहाँ पर विकेट ले रहे हो अपनी स्टेट की टीम से, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद वहाँ से अगर आप सैयद मुश्ताक में करते हो तो उससे रणजी ट्रॉफी का सीधा आसार हो जाता है कि हाँ स्टेट की टीम में लड़का अच्छा कर रहा है तो सीधा रणजी ट्रॉफी लग जाएगी। अगर आप एज ग्रुप में अच्छा कर रहे हो तो उससे भी आपको सैयद मुश्ताक और अपना रणजी ट्रॉफी, ये अपना स्टेट होती है, इन्हें नाम दिया हुआ है। इस रणजी ट्रॉफी सबसे बड़ा मानी जाती है स्टेट में, जो रणजी ट्रॉफी खेलता है उसकी अलग वैल्यू होती है क्योंकि वो डेज क्रिकेट होता है। तो वहाँ से आपकी अगर आप 19 एज ग्रुप में है तो उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे अपनी स्टेट के लिए तो वहाँ से आपको पिक कर लेंगे रणजी ट्रॉफी के लिए, वो सीधा कॉल होती है अब कोई भी छोटे एज ग्रुप में जो लड़के परफॉर्म करते हैं। और गाइज उसके साथ साथ जो लोकल में टूर्नामेंट होते हैं, जो BCCI करा रही है, मतलब आपके जो एसोसिएशन है उसके एफिलेटेड है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपके एसोसिएशन में आपका नाम चला जाएगा कि हाँ ये लड़का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है, मैन ऑफ द सीरीज है उस टूर्नामेंट में, या कोई लोकल टूर्नामेंट भी है, बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके भी ट्रायल में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि हाँ ये मैन ऑफ द सीरीज था लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ, जो बड़े बड़े स्टेट में होते हैं, जैसे कर्नाटक में होता है KPL होता है अपना, और अपना तमिलनाडु में होता है TMPL, उससे भी बहुत बड़ा फायदा होता है, बहुत सारे लड़के उससे भी IPL खेले। तो ऐसे कोई भी टूर्नामेंट अगर आपके स्टेट में हो रहा तो उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उससे भी आपका सीधा रणजी ट्रॉफी लगने का अपना चांस होता है। तो गाइस सीधा सा प्रोसेस है, आपको ट्रायल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने हैं। उसके लिए आप अगर एज ग्रुप में तो अपने एज ग्रुप में आपको अच्छा करना है, अगर आप वो अपना वनडे खेल रहे हो या सैयद मुश्ताक अली T20 खेल रहे हो तो उसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा, उससे आपकी रणजी ट्रॉफी लग जाएगी। और रणजी ट्रॉफी के बाद ही गाइस आपका इंडिया के लिए सिलेक्शन होता है, जो अच्छे टॉप विकेट टेकर,
अच्छे होते हैं या रन अच्छे बनाते हैं तो सीधा जाके इंडिया में सिलेक्ट होते हैं। और सैयद मुश्ताक में अगर अच्छा खेलोगे तो अपना जाके सीधा आप IPL खेलते हो। बहुत सारे लड़के जाके IPL खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी से सिलेक्ट होकर सैयद मुश्ताक से सिलेक्ट हो गए। देख सकते हो अभी इंडिया में गए हैं, जिसने IPL में अच्छा किया सीधा जाके वो लग गया और सिलेक्ट। यही प्रोसेस होता है जो रणजी ट्रॉफी सैयद मुश्ताक और विजय हजारे से सिलेक्ट होकर IPL लगता है, IPL से सीधा इंडिया का रास्ता बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इंस्टाग्राम पे भी आपका भाई है, सेम अकाउंट है, क्रिकेटर विशाल, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।